राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त अर्धनग्न प्रदर्शन चल रहा है। क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, आइए हम जानते हैं खुद प्रदर्शनकारियों से क्या है जो आज आप लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये। आरईडी के गलत नीतियों की वजह से हम सारा प्रदर्शन कर रहे हैं। आरईडी शुरू से ही मतलब कुछ ना कुछ गलत करता आया है, इसी वजह से हमको अर्धनग्न होना पड़ा। आज जो आप लोग यहाँ पे हैं अर्धनग्न होकर, इसके पीछे क्या? IRDA सर्वेयरों और उपभोक्ताओं, बीमा उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। IRDA मुझे नंगा करने की तैयारी में हम खुद नंगे हो गए हैं और IRDA को जब तक नंगा नहीं करेंगे हम कपड़े नहीं पहनेंगे। ये पूरा जो आप लोग का प्रदर्शन है उसके बारे में थोड़ा विस्तार, ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है, ये जो हमारे आम उपभोक्ता हैं जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उनके हितों के बचाव के लिए है। ये जो सरकार है ये प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दे रही है, और अभी तक क्या होता था, इनफैक्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी लेकिन उसके भी लॉस असेसमेंट ये इंडिपेंडेंट बॉडी के सर्वेयर्स करते थे। अब उस इंडिपेंडेंट बॉडी के सर्वेयर्स को ये किनारे कर कर ये अपने प्राइवेट इंप्लॉयज के द्वारा वो सर्वेस करा रहे हैं, क्लेम असेसमेंट करा रहे हैं। और प्राइवेट इंप्लॉयज क्या करेंगे, वो अपनी कंपनी के फायदे के लिए, अपनी कंपनी का पैसा बचाने के लिए उपभोक्ताओं का पैसों की अस्तेसी कराएंगे, आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम लेंगे। जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो आपको किनारे कर देंगे, आपको सब स्टैंडर्ड क्लेम देंगे। क्यों देंगे? उनको अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देना है। जैसे आप किसी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, आपके KRA क्या होंगे? आपको सैलरी इस बात की मिलती है कि आप उनके पैसे बचाओ, उनकी जो तरक्की है, उनका जो बढ़ना है, जो भी है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द सेविंग ऑफ द क्लेम अमाउंट मनी। उसमें जो ये सर्वेयर प्रोफेशन की जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि एक इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हम जो रिपोर्ट लिखते हैं विदाउट प्रिजुडाइस, आपेक्ष, निरपेक्ष, सापेक्ष रहित, हम जो भी करते हैं पूरी तरह निरपेक्ष होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। ना हम इसका लॉस बढ़ाएंगे, ना प्राइवेट कंपनी को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ना उपभोक्ता का घाटा करेंगे, इम्पार्शियल रहता है। ये इम्पार्शियलिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अमेंडमेंट जो भी कर रही है उसके द्वारा वो खत्म कर रही है, रबड़ से मिटा रही है। अल्टीमेटली शोषित तो होगा हमारे उपभोक्ता और आम जनता, जो गरीब जनता। अभी हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, ऑटो वालों जो उन लोगों को लेकर के हम बोले हैं कि भैया आप लोग गरीब आदमी हैं, इक्का दुक्का गाड़ी है वो चला के आप चलते हो, इंश्योरेंस क्लेम होता है, सरकारी जो कंपनी आपको देती है, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट सर्वेयर वहाँ पे है, स्वतंत्र सर्वेयर हम लोग है, सर्वेक्षक, हम वो सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग इम्पार्शियल रिपोर्ट देते हैं। ये बंद कर रहे हैं टोटली, हम लोगों को जो चपेटाघात कर रहे हैं, हमारा जो अन्न वस्त्र जो इन लोग हरण कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखेंगे। ये आम जनता के लिए हमारा आंदोलन है और हम लोग भी देखेंगे कितना दूर ये जा सके। IRDA के जितने भ्रष्टाचारी ऑफिसर है ये सब इन लोग कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, जब हमारी सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी तो विदेशी कंपनियों के लिए पूरा मार्केट फ्री मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन के ट्रेंड में आप देखें, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो सोशल रिफॉर्म्स को लेकर चलती थी। क्या था, आप देखें, हमने, हमारी जो गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट वॉज नॉट कैपिटलिस्ट, इट वॉज नॉट आइदर सोशलिस्ट, हमेशा बीच में रही। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा टिल्ट और डेविएशन है ना, ये इस तरफ चलता जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कि फायदा पहुंचाना है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिनके ये पता नहीं कमरों में क्या क्या इनको होती, सारे के सारे वेस्टर्न बेनिफिट्स होंगे। मर कौन रहा है? जो आम आदमी है, जो जमीन का आदमी है, जो रूटेड आदमी है, वो अल्टीमेटली इस सारे अमेंडमेंट, शोषित या दलित, वॉट एवर कहें, अवशोषित आदमी परेशान होगा। क्या है आप लोगों की मांग? मांग हमारी है कि ये रेगुलेशन ये विड्रॉ करें, सारे के सारे जितने भी सर्वे के क्लेम्स हों सारे स्वतंत्र सर्वेक्षकों द्वारा कराए जाएं, जीरो लिमिट से लेकर अनलिमिटेड लिमिट तक, एक पैसा से भी लेकर के एकदम अनलिमिटेड पैसा तक भी सर्वेयर से ही कराया जाए। क्योंकि ये सर्वेयर जो होते हैं ये टेक्निकल पर्सन होते हैं, BTech, MTech, उसके बाद सर्वेयरशिप का परीक्षा, ये सब पास करके उसके बाद सर्वेयर बनते हैं कोई, और इसके जरिए क्या करेंगे इन लोग, फिर बेरोजगारी को भी इन लोग बढ़वा देंगे। सर हमारे साथ IRDA की तरफ से बहुत धक्का हो रहा है, हमें 30-30, 40-40 साल इस प्रोफेशन में हो गया है, पर वो अब हमारे प्रोफेशन में हमारी सर्वाइवर स्टेक पर है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्वेयर को क्या हो रहा है और जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के साथ
कोलेबरेशन करके रल के वो अपने उनका पैसा उनको बचाने में लगे हुए हैं, और जो कंज्यूमर का पैसा है वो उसको उन कर नहीं पहुंच पा रहा है, रादर उनकी जेबें खाली करने के लिए लगे हुए हैं। जो यहाँ प्रदर्शनकारी हैं उनका कहनाम है कि IRDA का जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं उज्जवल प्रियवीर, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।